फिर उसको बात करते हैं भेल स्टॉक की। और आप देखिए कि स्टॉक काफी टाइम से फ्लैट ही मूव कर रहा है, साइडवेज की मूव में स्टॉक है हमारा। और अगर आपने बाय कर रखा है तो 3 से 4 दिन हो गए इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई थी। स्टार्टिंग में बड़ी मूवमेंट आई थी, 37-37 रुपए से बहुत तेजी से भागा था स्टॉक हमारा, बट यहाँ पर साइडवेज की मूव में हमारा स्टॉक रुका हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर अपने स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए जितना भी 1-2% लॉस या प्रॉफिट में हो आप, या फिर यहाँ पर स्टॉक को अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए और यहाँ पर अच्छी रैली आने की उम्मीद अभी भी आप कर सकते हो या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें भेल स्टॉक की तो आप देखिए 54.80 रुपए का स्टॉक है हमारा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पर अभी भी ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 85 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। बाजार हालांकि काफी डल था आज के दिन देखोगे तो, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है। कल का बाजार पॉजिटिव था, कल काफी अच्छी रैली हुई थी, बट कल के बाजार में भी स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है। और आज तो मार्केट डल था तो यहाँ पर लगभग 0.1% के आसपास ही गिरावट ही हो गई है। तो अगर इसका इंट्राडे हम चार्ट देखें कि क्या यहाँ पर इसका जो एक पीरियड था, एक जो मूवमेंट थी, वो अब स्टॉप होने वाली है या नहीं, तो आज के दिन में जो चार्ट रहा है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है। एक्सपायरी डे भी था आज का हमारा, उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बना रहा है पूरे दिन में। तो इतना वोलेटाइल अगर स्टॉक हो जाता है तो वहां पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और जब भी इस तरह की ट्रेडिंग बढ़ जाती है तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर को लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 2-4 दिन में स्टॉक बेचने वाले हो तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि टेक्निकल्स की, कि क्या यहाँ पर करना चाहिए, अगर आप लॉस में हो तो भी, अगर आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो तो भी, या अगर आप होल्ड करना चाहते हो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो तो भी, क्या डिसीजन होना चाहिए आपका, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। भेल का जो स्टॉक है वो प्राइवेटाइज होने वाला है, यही खबर सुनकर शायद आपने इसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और अगर आपने यही खबर सुनकर निवेश किया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि अगर अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुआ है तो जब तक प्राइवेटाइज नहीं होता है तब तक इसमें बहुत बड़ी रैली आएगी नहीं। अभी तक बस खबर आई थी, खबर के बाद इतनी बढ़िया रैली आई है, तो जब आप सोचिए प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तब इस स्टॉक में क्या होगा, तो यही एक बड़ी चीज है। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन को देख के निवेश किया था तो बहुत बढ़िया है, तब तक होने दीजिए जब तक आपका पैसा डबल नहीं हो जाता कम से कम। और अगर आपको पता नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से निवेश कर रहे हो तो मैंने अब बताया है, तो अगर आप सर्च करो उसके बारे में। एंड भेल का जो स्टॉक है वो भेल की जो कंपनी है उसमें गवर्नमेंट अपने स्टेक बेचने वाली है, और इसी खबर की वजह से स्टॉक में तेजी आई थी, और ये खबर जैसे ही फुलफिल होती है तो स्टॉक में और बड़ी तेजी आने की उम्मीद आप करिए यहाँ पर, ठीक है। इस समय की बात करें तो हमारे जो 16 इंडिकेटर है 16 के 16 आर सेइंग कि स्टॉक हमारा ऑलरेडी बुलिश जोन में है, यही एक अच्छी चीज है। अगर आपने अभी बाइंग की है कुछ दिन पहले तो साइडवेज की मूव जरूर है, बट जैसे ही मार्केट रिकवर करता है अपने लोअर लेवल से वैसे ही हमारा स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। बाजार रिकवर जरूर कर रहा था, कल भी रिकवर किया था, आज भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है, बट उसके बावजूद भी जो कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में वो नहीं देखने को मिल रहा है। जब लॉकडाउन हमारा खुला और उसके बाद लगातार एक स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी, स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिल रही थी, वो चीज अब यहाँ पर गायब होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आप देखोगे तो जब ये 50,000 तक पहुंचा था उस टाइम पे क्या एक माहौल बन रहा था बाजार में, और वो एक चीज अब यहाँ पर गायब दिखाई देती है। उसी की बात करो, जब तक माहौल दोबारा नहीं लौट के आता है तब तक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद इसमें ना करें तो ही ज्यादा बेहतर। छोटी मोटी तेजी इसमें आती रहेगी, वहां से भी आप प्रॉफिट बढ़िया कमाते रहेंगे, ठीक है। अब बात करें इसकी ईएमए की, तो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में हमारा ऑलरेडी स्टॉक है, और डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक हमारा 20-21% डिलीवरी है यहाँ पर। डेली डिलीवरी की भी बात करें तो यहाँ पर 23-24% की डेली डिलीवरी है। आज की डिलीवरी कितनी हुई है, तो भैया आज की डिलीवरी भी 24-25% के आसपास की आज भी डिलीवरी हुई है। आज देखिए स्टॉक मार्केट में कितने ज्यादा शेयर्स हमारे ट्रेड होते हुए दिखाई दे, 85 मिलियन शेयर्स लगभग ट्रेड हुए हैं आज के बाजार में भेल के। तो ऐसे बाजार में भी अगर हमारे 25% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बन रहा है तो वो बहुत बेहतरीन बात है। 20-21 मिलियन के आसपास शेयर्स आज भी बाय किए गए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो अगर इतनी ज्यादा बाइंग हो रही है ऑलरेडी तब तो घबराने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर कोई, ठीक है। जो भेल का स्टॉक है हमारा वो जल्दी ही तेजी पकड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, दूसरे जिस खबर की वजह से, जो एक चीज जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि आपको कब बेचना है स्टॉक, आपको स्टॉक तब बेचना है जब आपने जिस वजह से स्टॉक में निवेश किया था वो वजह खत्म हो जाती है, ठीक है। आपने निवेश किया था क्योंकि प्राइवेटाइज होने वाला है, वो खबर बहुत बढ़िया है, तो जब तक प्राइवेटाइज नहीं हो जाता है तब तक तो आपको बाय करके रखना ही है ना, तब तक तो होल्ड करके रखना है ये स्टॉक को। तो वही एक चीज आप पकड़ के चलिए कि मैंने अगर इस वजह से बाय किया था
तो ये वजह अभी भी है। अगर आपने फंडामेंटल्स देखकर बाय किया था तो वो फंडामेंटल्स क्या चेंज हो गए हैं? नहीं, तो फंडामेंटल्स तो अभी भी वैसे के वैसे ही है जैसा आपने बाय किया था तब थे। तो फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी है, टेक्निकल्स ठीक ठाक है हमारे समय पर। जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि हमारा जो बाजार है वो सपोर्टिव नहीं हो रहा है भेल के स्टॉक को लेकर के, ठीक है। अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो स्टॉक है हमारा, वो बहुत छोटा स्टॉक नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। पीएसयू और पीएसयू हमेशा लगभग टाइम पर आप देखोगे तो बाजार को अलाइन करके ही चलते हैं, और इस समय पर अगर आप देखोगे तो बाजार हमारा बहुत बड़ी मूव नहीं ले रहा है कोई ऐसी कि यहाँ पर हमें ऐसा लगे कि नहीं यार बाजार भाग रहा है बाय करना चाहिए। ये फीलिंग जब तक नहीं होगी ना लोगों के अंदर कि यार स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी है, यहाँ पर पैसा लगाओ यहाँ पर पैसा लगाओ, तब तक यहाँ पर आपका पैसा बनता हुआ डबल होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टॉक मार्केट हमारा तेजी पकड़ेगा, लोगों की जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है बाजार में बना हुआ वो बदलेगा, तो उसके साथ साथ ही भेल का स्टॉक भी तेजी पकड़ेगा। तब तक ये साइडवेज में रहेगा या फिर छोटी मोटी मूव आती रहेंगी इसमें। अब देखिए बाजार में हमारा जो अच्छी चीज हो रही है वो क्या है, तो बाजार में देखिए एफआईआई डीआई का जो डेटा है हमारा, एफआईआई ने 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करके बाजार में की थी, 2,800 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, और 1,200 करोड़ के आसपास की, 1,300 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआईआई ने की थी। तो लगभग वही जो एक डील थी, जो एक हमारा फ्री सप्लाई में माल आ गया था 5 मार्च को, 2,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर एफआईआई ने बेचा था और 1,200 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डीआईआई ने बेचा था, अपने अपने सामान को उन्होंने वापस ले लिया है, तो वो एक चीज हो गई है आज। तो अगर आप देखिए फ्री सप्लाई का माल वापस चला गया है तो मंडे से, अब तो मंडे ही खुलेगा मार्केट, कल महाशिवरात्रि हो जाएगी तो उसके बाद मंडे अगर मार्केट खुलता है हमारा तो वहां से हमारा बाजार भागता हुआ दिखाई देगा, वहां से एक बाइंग मोमेंटम भी आएगा आपका, और वहां से आपका भेज का जो स्टॉक है वो पॉजिटिविटी में भी आएगा। अब उसकी बाद में करेंगे कि नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा रहेगा, जब तक अमेरिका का आज का डेटा नहीं आता तब तक कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल अभी की जो पिक्चर है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर बहुत तेजी बनने की उम्मीद है, आप श्योरली कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्डी को देखोगे तो मैग्डी हमारा बुलिश जोन में है, इंस्टाग्राम हमारे अपवर्ड साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि 4 दिन से कुछ बड़ी कैंडल्स नहीं आई है हमारी, आप देखोगे तो 4 दिन यहाँ पर बहुत डल बाजार रहा है और उसको ही फॉलो किया है हमारे स्टॉक ने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आप RSI देखोगे तो RSI भी 72-73 का RSI है जो कि काफी ठीक है, ओवरबॉट जोन में जरूर है स्टॉक हमारा, बट क्योंकि छोटा स्टॉक है और मोमेंटम अच्छा है स्टॉक में तो यहाँ पर इतना RSI चल जाता है, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, बशर्ते बाजार में अगर एक तेजी आए तो यहाँ पर दोबारा से खरीदारी आएगी, और खरीदारी जब भी आएगी तो वहां से स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें अगर कि हमारा जो एक लेवल है सपोर्ट जोन हमारा 53.70 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, अगर किसी वजह से स्टॉक में गिरावट होती तो यहाँ तक की गिरावट तो आप एक्सपेक्ट करके चले ही चले, ठीक है। और जो पहला टारगेट है जो जिसके बाद स्टॉक तेजी पकड़ेगा वो 57.40 रुपए का, जैसे ही बाजार में तेजी आती है वैसे भेल की स्टॉक में तेजी आएगी, और वहां से स्टॉक हमारा 57.40 रुपए का अगर मार्क क्रॉस करता है तो ये आसानी से स्टॉक हमारा 60-61 रुपए के आसपास तक जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको याद रखने हैं, जब भी मार्केट खुलेगा उस बाजार में बाइंग करनी है या नहीं तो बाय कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वही दो बड़े रीजन है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं हमारी कंपनी के, एंड दूसरा है कि यार प्राइवेटाइजेशन की खबर की वजह से बाय करना है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वहां भी कर सकते हो आप, एंड होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल होल्ड करो, ये मेरी राय है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या स्ट्रेटजी, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, होल्ड करो, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ, एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू अगेन।